कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के साबरमती विधानसभा से हमारे प्रत्याशी जसवंत भाई ठाकुर और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन सभी का खूब अभिनंदन। आज जो ऑफिस का उद्घाटन किया है सभी को शुभकामनाएं। जैसे आपको पता ही है, पता के पिछले कई दिनों से हम लोग पूरे जोर से गुजरात में आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो अपनी चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है और गुजरात के लोगों ने मन बना लिया है गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आने का। क्योंकि गुजरात के लोग पिछले 27 साल से जो बीजेपी सरकार का उनपे जो भोग रहे थे, जो इतनी महंगाई, शिक्षा में महंगाई, बिजली के बिल भरना मुश्किल हो पड़ा है और अपने बच्चों की एजुकेशन और इलाज कराना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, उसी को देखते हुए हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पहले उन्होंने पंजाब में सरकार, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी पिछले कई महीनों से लगातार गुजरात में काम कर रहे हैं और गुजरात के लोगों को भी हम जैसे दिल्ली में सारी सुविधाएं दे रहे हैं, पंजाब में सुविधाएं दे रहे हैं, उसी तर्ज पे हम गुजरात में भी आप सभी को सुविधाएं हैं वो देना चाहते हैं। जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो मिडिल लोगों की सरकार है, वो जो अमीर लोग हैं वो तो पैसे से सभी कुछ अपना खरीद लेते हैं, सभी कुछ उनको तो दवाई भी मिल जाती है, सारा इलाज भी करा, बच्चों की शिक्षा भी सब कुछ मिल जाता है। लेकिन हम जैसे लोग हैं जो इनके लिए सबसे मुश्किल हुआ पड़ा है अभी गुजरात में रहना, क्योंकि महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई है। इसीलिए हम पंजाब से यहां पे आके आप सभी को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम गांव-गांव, शहर-शहर, गली मोहल्ले जा जाके आप लोगों को विनती कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ो। जैसे जसवंत भाई ठाकुर ने बोला है, हर एक विधानसभा में अनेकों पद हैं जो जसवंत ठाकुर ने अपने लिए नहीं रखने, वो सभी आप जैसे लोगों के लिए हैं। आपने ही नगर निगम चुनाव भी लड़नी है, डायरेक्टर भी बनना है, कॉरपोरेशन की इलेक्शन है और कितने इलेक्शन आएंगे वो सभी आप जैसे लोगों ने लड़ना है। इसीलिए मेरी आपसे विनती है, हेलो हेलो, आप लोगों से विनती है कि अभी 10 दिन रह गए हैं, 10 दिन बाकी हैं, इसमें पूरा जोर लगा दो, पूरा जोर लगा दो। एमएलए जसवंत भाई ठाकुर नहीं बनेंगे, आप सभी लोग आज एमएलए बनेंगे और जो भी सरकार देगी वो किसी एक तबके को नहीं देगी, वो सभी के लिए होगा। जो भी सरकार बिजली फ्री करेगी वो भी सभी लोगों के लिए करेगी और शिक्षा फ्री करेगी सभी लोगों के लिए करेगी, हेल्थ का इलाज का जो फ्री करेगी वो सभी लोगों के लिए करेगी। इसलिए हम किसी जात के किसी और में लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, हमारी सीधी सी बात है, हम सभी के हैं, सभी को एक समान समझते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई हैं। हम इस भाईचारे को और मजबूत करना चाहते हैं, हम कहीं पे भी कोई लड़ाई दंगे नहीं करवाना चाहते, हम चाहते हैं जो भी हो सभी के भलाई के लिए कर सके हमारा, अगर हमें आपका खून भी देना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं गुजरात में आपकी सरकार आए। गुजरात में सरकार आती है वो आप आम लोगों की सरकार आएगी, किसी अमीर की सरकार नहीं आएगी। अभी देश भर में जो सरकार है, केंद्र में सरकार है, वो चुनिंदा 2-4 लोगों जिनकी सरकार है, जिनके कहे पे सब कुछ होता है। हमारे जैसे जो गरीब लोग हैं उनको, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको कोई मिलने भी नहीं देता। आपने देखा होगा पिछले लंबे समय से यहाँ पे बीजेपी सरकार है यहाँ पे गुजरात में, क्या आप किसी एमएलए को किसी मंत्री को ऐसे मिल सकते हैं जैसे हम आपके पास है आते हैं? हमको मिलना कितना आसान है, लेकिन आपके गुजरात के जो एमएलए हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी का जो भी एमएलए, जो भी मंत्री, जो भी मुख्यमंत्री होगा, और जैसे आप लोग घूमते हैं इसी तरह आम लोगों के बीच घूमेगा, उनकी जो समस्याएं
उनको हल करने की जिम्मेदारी सारी हमारे एमएलए की रहेगी और हमेशा आप लोगों के बीच रहेगा। ये नहीं होगा तो एक बार जीत के दोबारा कभी आके उसने कभी अपना चेहरा भी नहीं दिखाया, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी खुद लोगों में जा जाके उन्होंने लोगों की मुश्किलें सुनी तो फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाने का निर्णय लिया। अगर सरकारें अच्छी होती ना अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनने की जरूरत थी, ना हम जैसे लोगों को आम लोगों को एमएलए बनने की जरूरत थी, क्योंकि हमारा किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, इसीलिए हम लोगों को उठ के खड़ा होना पड़ा और आपके बीच आके आप सभी को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि एक मौका अरविंद केजरीवाल को, एक मौका अरविंद केजरीवाल को, एक मौका आम आदमी पार्टी को। आपने वोट आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को डाल लिया, ये मत समझो कि आप जसवंत ठाकुर को वोट पा रहे हो, आपकी वोट अरविंद केजरीवाल को, जो उनके सिपाही है, जो उनके वो जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि आपका कोई काम नहीं, हर एक काम पहल के आधार पर होगा, किसी को सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एमएलए के पास जाके कि यहां से यहां वहां से कोई आदमी ढूंढ के नहीं लेके जाना पड़ेगा कि इसका कौन खास आदमी है जो हमको मिलवा दे। जब आपको लोड पड़ेगी तो ये आपके बीच रहेंगे और हमेशा आपकी बात करेंगे, आम लोगों की बात करेंगे। तो इसीलिए अभी 10 दिन के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि 10 दिन पीछे मत देखो, 10 दिन पूरा जोर लगा दो, जो सीट हम जीते पड़े और बड़े बहुमत से जो सीट जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जो सीट जीतेंगे। मैं आपके बीच हूं 4-5 दिन और आपके बीच हूं, तो जहां पे भी अगर आप कोई सभा वगैरह करना चाहते हैं मैं जरूर पहुंचूंगा। मेरे साथी हैं तवाना जी हैं, ये भी हमारे साथी हैं, अनुभा साहब हैं, मनु जी हैं, अमन जी हैं, सभी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं पूरे ईमानदारी से। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, गुजरात में कोई रोक नहीं सकता आम आदमी पार्टी की सरकार आने से। जसवंत भाई को पता है कि हम कितने मार्जिन से जीत रहे हैं, लेकिन हमने मार्जिन और बढ़ाना है, मार्जिन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है ताकि हम जसवंत भाई को मंत्री भी बना सके, यहां से मंत्री बना सके। इसीलिए सभी को विनती है कि पूरे पिछले जो 10 दिन रह गए उसमें पूरा जोर लगा दो, ठीक है। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इतनी बात जरूर मैं बोलूंगा आखिर में कि हमारे पास पैसे नहीं है, जे हम वोट नहीं खरीद सकते। हमें यह भी आ सकता कि हम आपको चाय पानी भी कम पिलाएं और रोटी भी कम खिलाएं, लेकिन इतना बात जरूर है जब जीत गए आपका कलम सिर्फ इनकी होगी, जो आप बोलोगे सो होगा, हर एक काम होगा जो बोलोगे। बस 10 दिन के लिए अपने जो काम है वो छोड़ के आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए सिर्फ 10 दिन आपके चाहिए, बाकी के 5 साल आप लोगों के लिए रहेंगे। क्योंकि एक बार सरकार आ गई, हर एक घर का 10,000 से लेके 15,000 तक का एक मास का फायदा होगा, लाभ होगा। सो इसीलिए आम आदमी पार्टी गुजरात में लेके आनी बहुत जरूरी है। अभी मैं पंजाब से हूं, पंजाब का मिनिस्टर हूं, सो हमने पंजाब में हेल्थ में जो फ्री किया, इलाज फ्री किया हुआ, और अभी कल की बात है मैंने प्रेस में भी दिया, 13 करोड़ रुपए का जो कैंसर के पेशेंट है उनको हमने दिया 1265 लोगों के लिए। क्योंकि हम कुर्सी कुर्सी के लिए नहीं है, हम आप लोगों के लिए, आप जहां बुलाओगे जैसे भी बुलाओगे, हम सिर्फ काम करना चाहते हैं। जो हमने पहले सरकारें बनाई हैं वो सिर्फ कुर्सी के लिए, अपनी जेब के लिए बने हैं, हम जेब के लिए कुर्सी के लिए नहीं, हम आप लोगों के लिए बने हुए हैं। इसलिए जब तक आप हमें रखना चाहोगे तब तक हम रहेंगे, अगर आप नहीं चाहोगे तो हम पीछे हट जाएंगे। सो इसलिए पूरा ईमानदारी से दादू पूरा जोर लगा के जसवंत भाई ठाकुर के साथ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लग जाओ और जसवंत भाई ठाकुर को कम से कम 50,000 वोटों से जितवाना है। आप सभी का, जो बहनें आई हो उनका अति अति धन्यवाद, क्योंकि महिलाओं के बिना कोई भी काम है वो अधूरा है। महिलाएं साथ में रहेंगी तो जीत है 200% यकीनी बन जाती है। सो आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप आगे आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप पूरा साथ दोगे और जसवंत भाई ठाकुर को जिता के अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, उनके हाथ मजबूत करोगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदाबाद।